स्टार्टिंग विद नेक्स्ट प्रोग्राम द प्रोग्राम इज फॉर डिस्प्लेइंग फर्स्ट एंड प्राइम नंबर्स। फर्स्ट एंड प्राइम नंबर्स मतलब यूजर से एक नंबर एंटर करेंगे वो नंबर तक जितने प्राइम नंबर्स है वो डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यूजर एंटर 7 तब 7 तक के प्राइम नंबर्स डिस्प्ले होंगे। यूजर एंटर 3 तो 3 तक के प्राइम नंबर्स डिस्प्ले होंगे। दैट इज व्हाट दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। हियर वी हैव डिक्लेयर सम वेरिएबल। फर्स्ट n डिक्लेयर किया है। ऑल वेरिएबल्स आर ऑफ इंटीजर टाइप। द वेरिएबल n में वी आर स्टोरिंग द वैल्यू दैट इज बीइंग एंटर्ड बाय द यूजर। i एंड j आर फॉर द फॉर लूप काउंटर्स व्हिच विल कीप अ ट्रैक ऑफ हाउ मेनी टाइम्स दैट स्टेटमेंट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। f इज द फ्लैग वेरिएबल दैट इज अ सिमिलर वेरिएबल व्हिच वी सॉ इन लास्ट प्रोग्राम। जो काम c वहां पे करता था टू चेक वेदर इट इज 2 और नॉट। इफ इट इज देन ओनली दैट नंबर इज प्राइम और नॉट। सिमिलरली यहाँ पे वो काम f वाला वेरिएबल कर रहा है। That variable status variables are called as flag variables. यहाँ पे printf enter a number. So let's say the user enters a number 3. scanf %d and 3 and n which means n में value 3 store हो जाएगा. Then again it will print prime numbers r. So ये जो पहला for loop है, if you check this for loop, this line and this line is similar to what we saw in last prime number का programs. So these three are the same steps. यहाँ पे सिर्फ हमने C++ किया था बस और कुछ नहीं। तो ये steps बार बार repeat होना चाहिए। इसके लिए ये steps के लिए हमने अलग से ये for loop लगाया है। So first for loop is basically for iteration of this for loop. So how, let's see how it works. यहाँ पे i को हमने one value initialize किया है, one less than equals to 3, क्योंकि i का value 1 है, n का value 3 है, as you can see. सो 1 less than 3 कंडीशन इज ट्रू तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, आई प्लस प्लस पे नहीं। सो ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आएगा, f को वैल्यू 0 असाइन करेगा। नेक्स्ट ये यहाँ पे फॉर लूप में आएगा। इफ़ यू कैन सी ये फॉर लूप के बाद ब्रैकेट ओपन हुआ है, उसके बाद क्लोज नहीं हुआ है, उससे पहले ये फॉर लूप है विच मीन्स दिस फॉर लूप इज इन साइड दिस फॉर लूप दैट इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड फॉर लूप। So after initializing f equals to 0, we move on to the next for loop which says j is equals to 1, j less than equals to n. So j ka value is 1 which is correct, 1 less than equals to n. So 1 less than equals to 3 again which is true. Then it will go inside the for loop. Usme pehle condition hai if i mod j. So you can see i ka value is 1, j ka value is 1. So 1 mod 1 is 0. So every time the condition is true, we will increment f ka value by 1. तो जहाँ पे f पहले 0 था अभी यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो f का वैल्यू इज 1, ब्रैकेट एनकाउंटर हुआ तो पहले j प्लस प्लस होगा। सो j का वैल्यू विल बी 2। सो रिमेंबर i का वैल्यू इज स्टिल 1, ओनली j प्लस प्लस इज बीन एग्जीक्यूटेड। सो जहाँ पे j 1 था वो 2 हो जाएगा। सो ओवर हियर इट विल बी 1 mod 2। सो 1 mod 2 द रिमेंडर इज नॉट 0। सो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, वापस जाएगा j प्लस प्लस। सो j का वैल्यू विल बी 3। सो 3 less than equals to 3 कंडीशन इज स्टिल ट्रू। अंडर आएगा यहाँ पे i का वैल्यू इज स्टिल 1 क्योंकि हमने अभी तक i प्लस प्लस किया नहीं है। सो i का वैल्यू इज 1 एंड j का वैल्यू इज 3। सो 1 mod 3 अगेन द रिमाइंडर इज नॉट 0। सो ये इंक्रीमेंट नहीं होगा। वापस j प्लस प्लस, j का वैल्यू हो जाएगा 4। 4 less than equals to 3 कंडीशन फॉल्स होगा। सो ये ब्रैकेट के बाहर आएगा। ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये वाले इफ लाइन पे आएगा। अगेन ये वाला जो इफ कंडीशन है वो इस फॉर लूप के अंदर है। ये फॉर लूप का ये जो ब्रैकेट ओपन हो रहा है वो सीधा यहाँ पे क्लोज हो रहा है। सो दिस इफ स्टेटमेंट इज इंक्लूडेड इनसाइड दैट फर्स्ट फॉर लूप। तो ये सेकंड फॉर लूप जब खत्म हो जाएगा तो स्टेटमेंट जंप करेगा ये कंडीशन पे। सो एज वी सॉ दैट अपना एफ का वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड ओनली 1, दैट इज 0 से 1 हुआ है। एंड यहाँ पे कंडीशन है कि अगर एफ का वैल्यू 2 होता है तो ही वो प्राइम नंबर होगा एंड ओनली देन विल प्रिंट द वैल्यू स्टोर्ड इन आई। बट बिकॉज एफ इज इक्वल्स टू 1 and not 2, सो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये स्टेटमेंट स्किप होगा, ब्रैकेट एनकाउंटर होगा। तो इस ब्रैकेट एनकाउंटर होने के बाद ऑल द वे इट गोज टू आई प्लस प्लस का स्टेटमेंट। सो पहले आई वॉज 1, नाउ इट विल बी 2। सो इट इज 2 less than 3 विच इज अगेन ट्रू। तो वापस हम एफ को 0 से इनिशलाइज करेंगे। एवरी टाइम द आई का वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड एफ विल बी इनिशलाइज टू 0 अगेन एंड अगेन। सो एफ इज 0 अगेन, जे इज इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन इज ट्रू। सो नाउ इफ यू सी आई का वैल्यू इज 2 एंड जे का वैल्यू इज 1। सो 2 मॉड 1 तो 2 डिवाइड बाई 1, सो रिमाइंडर इज 0।
सो f प्लस प्लस होगा, f का वैल्यू हो जाएगा 1, फिर ब्रैकेट एनकाउंटर j प्लस प्लस, j का वैल्यू विल बी 2, सो 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 होगा, अगेन कंडीशन इज ट्रू, सो i का वैल्यू इज ऑल्सो 2, j का वैल्यू इज ऑल्सो 2, सो 2 मॉड 2 इज अगेन 0, सो अगेन f प्लस प्लस होगा, तो जहाँ पे 1 था पहले अभी नाउ इट विल बी 2, सो योर करंट f का वैल्यू इज 2. अगेन ब्रैकेट एनकाउंटर, अगेन इट विल बी जे प्लस प्लस, सो जे विल बी 3, सो 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू. आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू 3 है, सो 2 मॉड 3 इज नॉट 0, सो दिस इज नॉट एग्जीक्यूटेड, इट विल कम आउट ऑफ द लूप, द इफ स्टेटमेंट होगा. सो एज आई सेड द लास्ट वैल्यू फॉर एफ वाज 2 व्हिच मेक्स दिस कंडीशन ट्रू. So print f percent d comma i, and current value for i is 2, hence it will print the output 2. After that it will go again over here i plus plus, so i ka value will be 3, so 3 less than 3 it yahan pe check hoga, condition true hai, to wapas f ko value 0 karenge, wapas j ko starting se 1 initialize karenge, 1 less than equals to 3, condition is true, so i ka value is 3, 3 mod 1 is 0, सो एफ प्लस प्लस हो जाएगा, एफ का वैल्यू विल बी 1, देन अगेन आफ्टर दिस ब्रैकेट इट विल बी जे प्लस प्लस, सो जे का वैल्यू इज 2, 2 लेस देन 3 इज करेक्ट, सो ओवर हियर इट विल बी 3 मॉड 2, 3 मॉड 2 इज 1 नॉट 0, सो ये स्किप हो जाएगा, जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू विल बी 3, सो 3 लेस देन इक्वल टू 3 इज ट्रू, सो आई का वैल्यू इज ऑल्सो 3, जे का वैल्यू इज ऑल्सो 3, सो 3 मॉड 3 इज 0, सो ये स्टेटमेंट एक्जीक्यूट होगा और एफ प्लस प्लस, सो f1 से वापस 2 हो जाएगा. देन अगेन गो फॉर j प्लस प्लस, सो j का वैल्यू विल बी 4, 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज फॉल्स, तो ये बाहर आएगा. अगेन इट विल चेक कि f का वैल्यू 2 हो गया है 3 मॉड 3 के बाद, सो इट विल प्रिंट द वैल्यू फॉर i बिकॉज इट सेज द कंडीशन इज ट्रू फॉर बीइंग अ प्राइम नंबर, सो आफ्टर 2 इट विल प्रिंट 3 बिकॉज द करंट वैल्यू फॉर i वॉज 3. देन इट विल अगेन गो here, that is i plus plus, so jahan pe i ka value 3 tha, now it will be 4, so currently i ka value is 4, condition checked will be 4 less than equals to 3, so false ho gaya, to ye bracket ke bahar aayega, get ch which says the end of the program, mean say and then out, so the output for the given input is 2 and 3. Similarly you can check it for number 7 as well, it will give you the same output in list.